प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ही आसान से हैं। इंटरसेक्टिंग, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजन एंड विद स्लोप -2। अगर हम बात करें ये लेफ्ट ऑफ ओरिजन, लेफ्ट ऑफ ओरिजन, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट बनेगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी -3 और वाई की वैल्यू क्या होगी 0, और स्लोप हमें कितना दिया हुआ है -2। तो सॉल्यूशन देखिए, फिफ्थ का सॉल्यूशन अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट हमारा क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट जिसको हम डी से डिनोट करते थे, दैट इज -3 हो गया हमारा। डी की वैल्यू -3 होगी, स्लोप एम, एम की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है -2 दी हुई है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स -d, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म थी हमारे पास, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स, एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 है, एंड डी की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया। वाई इज इक्वल टू -2x माइनस का 6 हो गया, इधर वैल्यू आ जाएगी, तो 2x प्लस वाई प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 इज योअर आंसर, दिस इज योअर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में हमें क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबोव द ओरिजन, ओरिजन से 2 डिस्टेंस ऊपर अगर हम कहें तो हमारे पास मान लीजिए ये है, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे यही ले लूँ, ये मान लीजिए ये हमारे पास 2 है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 0, 2, और एंगल कितना बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस 30 डिग्री। हमें ये दो वैल्यूज पता है, अब यहाँ से हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। वाई इंटरसेप्ट हमारे पास कितना होगा, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट है हमारा 2 आ गया भाई, एंड स्लोप, स्लोप हमारा क्या होगा, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 डिग्री है, सो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, एम की वैल्यू पता चल गई। अब जब हमें वाई इंटरसेप्ट पता हो तो क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे इंटरसेप्ट ये हमारी c की वैल्यू है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये था y इज इक्वल टू एम एक्स इंटरसेप्ट के लिए m इंटू एक्स माइनस डी। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या होगी 1/√3 x प्लस का c, c हमारा कितना है 2 है, वैल्यू क्या बन जाएगी रूट थ्री से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो √3y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2√3, इसको इधर ले आए x माइनस √3y प्लस का 2√3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया 0 बच गया। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, बहुत ही आसान से थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 और 2, -4। सॉल्यूशन देखिए सेवन्थ का, पॉइंट फॉर्म हमारी क्या थी, 2 पॉइंट फॉर्म की अगर हम बात करें, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन y माइनस y1 m, m मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप ही होता है, इनटू x माइनस x1, दिस इज अवर इक्वेशन इन 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। अब 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं तो क्या बन जाएगी, y माइनस y1, y1 हमारा क्या हो गया 1 हो गया, y2 माइनस y1 -4 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x2 हमारा क्या है 2 माइनस ऑफ -1, तो प्लस का 1 बन जाएगा क्योंकि ये माइनस है, इंटू x माइनस x1, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस हो गया, ये बन गया y माइनस 1 माइनस का 5 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 1,
मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 3y माइनस का 3 माइनस का 5x एंड माइनस का 5, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इनसे मल्टीप्लाई, ये इधर आ गया 5x प्लस का 3y और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 5, तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन क्वेश्चन नंबर 7। ये 7th का सॉल्यूशन था। अब हम बात कर रहे हैं 8th की। 8th में क्या कहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स मान लीजिए ये हमारे पास है, हमारा कार्टेशियन प्लेन है फ्रॉम द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारे पास 5 यूनिट्स हो गया, एंड द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री। अगर ये वैल्यू हमें गिवन है तो नॉर्मल फॉर्म होगी, यहाँ पे हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या था, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, सिंपल सा ये था हमारे पास, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में हमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन दैट इज पी, पी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, एंगल थीटा, थीटा हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। सो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म हमारे पास एक्स कोस थीटा, एक्स कोस 30 डिग्री प्लस वाई ऑफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, कोस थीटा की वैल्यू होती है √3/2 प्लस वाई साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2 एंड इज इक्वल टू 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, तो ये बन जाएगा √3x प्लस का वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत ही आसान से थे, सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत आसान है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।